4.1 का जनरल जनरल बना रहे, जनरल एंट्रीज डबल एंट्री। अच्छा पहली ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस कैश 16,000, तो इसकी एंट्री तो होगी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट होते हैं, ठीक है ये तो पुरानी एंट्री है। तो नेक्स्ट बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डब्ल्यू यंग, नहीं ओके। अब इसकी एंट्री क्या होगी सेकंड की, परचेजेस परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, नाम भी लिखेंगे, नाम भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते डेबिट हैं। ओके नंबर थ्री, अच्छा अब थर्ड में नई ट्रांजेक्शन है ये, पेड रेंट बाय कैश, तो यहां पर हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं। अब इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक्सपेंस इंक्रीज और एसेट डिक्रीज होगा। तो जब भी कोई एक्सपेंस पे करेंगे तो आपके एक्सपेंस इंक्रीज होंगे और एसेट कैश या बैंक डिक्रीज होते हैं। अब रूल्स क्या है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं डेबिट और एसेट डिक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट। अच्छा देखिए एक्सपेंस कई तरह के हो सकते हैं ना, यहाँ रेंट पे कर रहे हैं रेंट एक्सपेंस हुआ, सैलरी पे करेंगे सैलरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, आपके ये बोल, तो हर एक्सपेंस जो है वो अपने नाम से रिकॉर्ड हो, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ रेंट पे कर रहे हैं तब हम लिखेंगे रेंट एक्सपेंस, तो रिकॉर्ड करेंगे रेंट एक्सपेंस के नाम से, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा। अब इसकी एंट्री होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट एसेट डिक्रीज क्रेडिट। स्टेटमेंट ना आज को रिकॉर्ड रेंट पेड बाय कैश देख सकते हैं, ठीक यहां तक कॉपी कर ले। नेक्स्ट है फोर, पेड 12,500 ऑफ द कैश ऑफ द बिजनेस इनटू बैंक अकाउंट, इसकी एंट्री होगी हाँ बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। नेक्स्ट फिफ्थ है सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू डी नंबर 192, सोल गुड्स ऑन क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल, सेल कर रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। नेक्स्ट नेक्स्ट सेवन, बॉट स्टेशनरी पेइंग बाय चेक। अच्छा स्टेशनरी क्या होती है, स्टेशनरी क्या चीज होती है, पेन पेंसिल पेपर वगैरह होता है आपका स्टेशनरी ना। अच्छा इसके इफेक्ट क्या होंगे, इफेक्ट क्या होंगे, नहीं इसको हम लेंगे एक्सपेंस में, एक्सपेंस लेंगे, तो इससे आपके एक्सपेंस इंक्रीज होंगे और पे कर रहे हैं बाय चेक तो बैंक डिक्रीज होगा। अच्छा देखिए फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़ते हैं ना खासतौर पर जो इंटर कॉमर्स है फर्स्ट ईयर में आपको बताया जाता है एसेट इंक्रीज, तो यहाँ इसको हम ट्रीट करेंगे एक्सपेंस, एसेट ट्रीट नहीं करेंगे। हाँ तो वो ट्रीटमेंट का थोड़ा फर्क है, फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़ते हैं तो वहां टीचर्स को पढ़ाया जाता है एसेट इंक्रीज, एसेट ट्रीट करते हैं, यहाँ स्टेशनरी को हम ट्रीट करेंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज एसेट डिक्रीज, एंट्री होगी स्टेशनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट, लिखते नहीं है नॉर्मली स्टेशनरी लिखा जाता है, लिख सकते हैं लेकिन नॉर्मली लिखा नहीं जाता। ओके नेक्स्ट, लेकिन वहां आपको पता तो नहीं है कभी देखा नहीं है। अच्छा 11 है कैश सेल्स, अच्छा यहाँ पे इसने 11 में सेंटेंस को शॉर्ट किया है, शॉर्टकट है कैश सेल्स, इसके फुल फॉर्म है सोल गुड्स फॉर कैश, सोल गुड्स फॉर कैश को शॉर्ट फॉर्म में आप कैश सेल्स भी लिख सकते हैं। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। नेक्स्ट
14 रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय अस टू डब्ल्यू या हम रिटर्न कर रहे हैं तो ये परचेज रिटर्न होंगी सेल्स रिटर्न है क्या लिखा गुड्स रिटर्न बाय अस टू डब्ल्यू या परचेज रिटर्न हो गई हम रिटर्न कर रहे हैं इसकी एंट्री होगी अकाउंट्स पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट अकाउंट्स पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट कॉपी कर लेंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जे पर कैसी होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट नेक्स्ट 20 पेड फॉर रिपेयर्स टू द बिल्डिंग बाय कैश अच्छा बिल्डिंग रिपेयर करवाई तो एक्सपेंस इंक्रीज हुए तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट तो हम लिखेंगे रिपेयर एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं और कैश क्रेडिट रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नेक्स्ट 22 डी नंबर रिटर्न गुड्स टू अर्थ अब ये सेल्स रिटर्न हो गई ना अब वो हमें रिटर्न कर रहे हैं सेल्स रिटर्न तो इसकी डबल एंट्री होगी Sales return debit account receivable. Sales return debit account receivable credit. यहाँ तक कॉपी कर लें 27 paid W Young by check. ठीक तो ये हो जाएगा paid W Young तो पहले हमने goods buy की थी पे कर रहे हैं तो अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट नेक्स्ट है 28 है कैश परचेज है तो यहाँ से इसको सेंटेंस को शॉर्ट किया है कैश परचेज मींस बॉट गुड्स फॉर कैश इसकी एंट्री होगी परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट Purchase debit, cash credit. Next है 29 bought a van, paying by check. Van है van. Van debit, bank credit. Van debit, bank credit. तो copy कर लें. Next 30 है paid motor expense in cash motor expense debit cash credit expense increase debit cash decrease credit last है bought computer on credit so computer या equipments debit और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा कॉपी कर लें 4.2 बाकी चेक कर लें अच्छा 4.2 में ही पहली ट्रांजैक्शन की तीन एंट्रीज होंगी यहाँ पे ना ठीक है कैश बैंक और कैपिटल तीन आ जाएगा तीन एंट्रीज होंगी चेक कर लें 1 2 3 इशू है बिल्कुल है आपको पता कैसे चलेगा कैश कितना है बैंक बैलेंस कितना है ये तो दोनों आपको पता कैसे चलेगा अलग अलग अमाउंट तो एक ही लिखेंगे ना 20,000 अमाउंट में क्या लिखेंगे अमाउंट में क्या लिखेंगे 20,000 पता कैसे चलेगा फिर कैश कितना है बैंक वहां तो लिख सकते हैं आप कैश प्लस बैंक हाँ कैसे पता चलेगा अच्छा अलग लाइन बना ले वो तो अकाउंटिंग इक्वेशन थी ना वो तो
प्रैक्टिस तो थी हमारी, कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, तो अब क्या चीज इंक्रीज होती है, क्या चीज डिक्रीज होती है, ये हाँ वो तो सर समझाने के लिए। रिकॉर्डिंग सर जो अकाउंटिंग स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग, तो सिर्फ समझाने के लिए। नेक्स्ट हाँ दोबारा बोले ये नेक्स्ट 5, 6, 10 चेक कर लें। अच्छा इसमें 21, अब 21 नई ट्रांजेक्शन है ये समझ लें। 21 में लिखा हुआ है रिसीव रेंट ऑफ 240 बाय चेक फॉर सबलेट ऑफ कॉर्नर स्पेस, ठीक है। अब जैसे कॉर्नर की स्पेस हमने किसी और को, जैसे यहाँ पे ये फोटो कॉपियर को हमने एक शॉप दी हुई है रेंट पे ना, ठीक है। तो अपने जो भी बिजनेस है हमने अपनी प्रीमिसेस की कोई साइड स्पेस कॉर्नर स्पेस किसी और को रेंट पे दी, तो अब हमें रेंट रिसीव हो रहा है, तभी हमारे लिए इनकम होगी एक्सपेंस होगा। अभी इनकम हो जाएगी, अब रेंट हम रिसीव कर रहे हैं, ओके। अब रेंट हम रिसीव कर रहे हैं तो ये इनकम होगी, और इनकम क्या हो रही है इंक्रीज। अब रेंट हमें रिसीव हो रहा है तो इनकम इंक्रीज हो रही है। अच्छा रूल क्या है, इनकम इंक्रीज क्रेडिट करते हैं, और किस फॉर्म में रिसीव हो रही है, चेक के फॉर्म में, तो चेक हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, बैंक इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बैंक इंक्रीज होगा, एसेट बैंक इंक्रीज होगा, डेबिट और इनकम इंक्रीज होगी, क्रेडिट एंट्री होगी इसकी बैंक डेबिट, और इनकम इंक्रीज हो रही है क्रेडिट, क्रेडिट में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे रेंट इनकम के नाम, तो रेंट इनकम का अकाउंट है। तो जब हम रेंट पे करेंगे तो वो एक्सपेंस होगा, और रिसीव करेंगे तो वो हमारी इनकम बन जाए, क्योंकि एक्सपेंस जो होता है पे करने वाले के लिए एक्सपेंस होगा, रिसीव करने वाले के लिए वो इनकम हो जाती है। तो एक नई एंट्री हो गई बैंक डेबिट, रेंट इनकम, क्रेडिट। के बाद अच्छा 31 ये भी एक नई ट्रांजेक्शन है। अच्छा 31 में क्या होगा, प्रोप्राइटर टुक कैश फॉर हिज ओन पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर। अब ओनर ने क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश निकाला, ठीक है। यानी कि आप सपोज करेंगे बिजनेस से आप कैश निकाल के घर ले गए अपने पर्सनल यूज के लिए, इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे जो पूछा है वो बताएं, इफेक्ट्स क्या होंगे, मैंने इफेक्ट पूछा है, इफेक्ट्स क्या होंगे, इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज और एसेट डिक्रीज, जी सेम जी, इफेक्ट्स बताएं, एसेट और कैपिटल दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, जिस साइड
इफेक्ट्स क्या होंगे? हाँ एसिड इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, नहीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और एसिड कैसे तो बिजनेस को देखना है, मैं बिजनेस को पर्सनल को नहीं देखना। बिजनेस का कैश कम हो गया ना, इंक्रीज। हाँ लेकिन पहली जो ट्रांजेक्शन है हमने इन्वेस्टमेंट की है ना, इसका इफेक्ट क्या होता है? पहली ट्रांजेक्शन का एसेट इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। अब जो लास्ट है 31 ईयर्स का रिवर्स हो गई ना, फर्स्ट को हमने घर से पैसे लाया, बिजनेस में इन्वेस्ट किए, यहाँ पे क्या हुआ? एसेट इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज हुआ। अब 31st हो गया, हमने बिजनेस से कैश निकाला, घर ले गए, तो ये रिवर्स हो गया। तो इसके इफेक्ट क्या होंगे? कैपिटल डिक्रीज, एसेट डिक्रीज। अच्छा ये चीज नोट कर लीजिएगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? कैपिटल डिक्रीज, एसेट डिक्रीज, ठीक है। अच्छा अब एज पर रूल एंट्री क्या होनी चाहिए? कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट होना चाहिए और कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। एज पर इफेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए? कैपिटल डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक। लेकिन लेकिन हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करते, बल्कि इसकी जगह एक नया अकाउंट बनाते हैं और इसे हम नाम देंगे ड्रॉइंग्स का, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के बजाय ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और कैश क्रेडिट। जब भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश निकालेंगे तो उसे हम ड्रॉइंग के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। जब इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल और ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉइंग। अच्छा एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, ये नोट भी कर लें, जब भी ओनर पर्सनल यूज के लिए कैश निकालेगा तो एंट्री तो बनेगी ड्रॉइंग डेबिट, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि इसके इफेक्ट बताएं, इफेक्ट क्या होंगे? कैपिटल डिक्रीज, तो ये लिख लीजिएगा कैपिटल डिक्रीज, कैश डिक्रीज, एसेट डिक्रीज। अक्सर स्टूडेंट इफेक्ट में क्या लिखकर आ जाते हैं? ड्रॉइंग इंक्रीज, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि इसके इफेक्ट बताएं, तो आंसर में स्टूडेंट क्या लिख देते हैं? ड्रॉइंग इंक्रीज। तो ड्रॉइंग इंक्रीज नहीं हो रही, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड हम करेंगे उसको ड्रॉइंग के नाम से, अकाउंट हम बनाएंगे ड्रॉइंग का, लेकिन इफेक्ट पूछिएगा तो आपने क्या बताना है? कैपिटल डिक्रीज, एसेट डिक्रीज, ठीक है। आंसर स्टूडेंट क्या बताते हैं? ड्रॉइंग इंक्रीज, तो आंसर गलत हो जाएगा, ड्रॉइंग इंक्रीज नहीं होती, कैपिटल डिक्रीज होता है। तो ये चीज याद रखेंगे, एक मिनट। 4.3 चेक कर लेते हैं इसको, वन टू थ्री। नेक्स्ट सेम नेक्स्ट 4, 5, 7 हालत हो गया था।
क्यों किया? सेल की है ना हमने, इनकम इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट हो गुड सोल्ड कर रहे हैं, इनकम इंक्रीज, क्रेडिट, क्रेडिट पे सेल किए तो रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं। जब भी गुड सोल्ड करेंगे इनकम इंक्रीज होगी क्रेडिट। सो द नेक्स्ट फोर्टीन सेवेंटीन ट्वेंटी सेम नेक्स्ट और नेक्स्ट थर्टी वन ओके तो चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद।